हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। Hey friends, welcome back to my channel Mini Maths and the chapter 3 pair of linear equation in two variables exercise 3.6 introduction bar. In introduction we see ki hum exercise 3.6 mein kaise questions ko solve karenge, kya hai ye equations reducible of pair of linear of equations in two variables. Hame pata hai pair of linear equation in two variables kya hai, do linear equation hai, hai na? Lekin equation reducible ka matlab kya hai? इक्वेशन रिड्यूसेबल, यहाँ पे हमें कुछ फॉर्म दिख रहा है एक्स वाई। अगर मैं इसको सॉल्व करना, जनरली सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, हम अभी रिड्यूसेबल अभी कुछ नहीं जानते, मैं ये इक्वेशंस देखूँ तो ये कुछ अपॉन में एक्स और वाई आ गया, मतलब वेरिएबल्स आ गए हैं, है ना। तो अब हम इससे कैसे सॉल्व करें? अगर हमें ये रिड्यूसेबल का कंसेप्ट पता ही नहीं है, हमें बस एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्सटीट्यूशन के बारे में पता है दो वैल्यूज को सॉल्व, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते? अगर हम इसे करते तो क्या करते, 2y plus 3x, हमने क्या कर दिया, x और y का क्या ले लिया, एलसीएम, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और ये इक्वेशन कितना मिल जाता, 2y plus 3x equals to 13xy मिल जाता। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम मैनर सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता, 5y minus 4x upon xy, एलसीएम ले लिया, दिस इज माइनस 2 एंड क्या मिल जाता हमें, 5y minus 4x equals to minus 2xy, this is equation number 2। अब हम क्या करते हैं, elimination method करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। तो चलो रीराइट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन 1 को हमने, तो हमें क्या मिल गया, 15x equals to 65xy, okay? और ये कितना हो जाएगा, 10y minus 4x, 8x equals to 2 2's are 4, that means minus 4xy, okay? अब हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल आउट होगा। माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 plus 15 is 23x और ये कितना हो जाएगा, 69xy, okay? तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, x to x cancel होता दिख रहा है, तो y equals to मैं क्या लिख सकती हूँ, 23 upon 69, that becomes 23 ones and 23 threes are, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 1 upon 3 मिल गई है, करेक्ट। y की वैल्यू जब मुझे 3 मिल गई है तो मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में, पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन 2, ओके 2 में पुट कर रहे हैं, तो 5 इनटू y मतलब 1 अपॉन 3 माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 2x और y की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 3 है। इसे अगर मैं रीराइट कर लूं तो x वाले टर्म एक तरफ रख लूंगी अभी, ठीक है, पहले इसे रीराइट करते हैं, 5/3 माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन 3, ओके तो अब क्या करूं, मैं x वाले टर्म सारे ले आऊं साथ में, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, माइनस का चेंज होके इधर आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 5/3। आई होप यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ओके तो अब अगर मैं इसे एलसीएम ले लूं यहाँ पे तो ये एलसीएम हो गया 3, ये हो जाएगा 4 3 12x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 5/3, इट बिकम्स वॉट, माइनस 10x/3 एंड इट बिकम्स वॉट, माइनस 5/3, 3 3 get cancelled, minus minus get cancelled, x equals to 5/10, so it become what, it become 5 1s and 5 2s are, x equals to कितना मिल गया हमें, 1/2। हम ये आंसर तो ले आए, हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी होती है, x हम ले आए 1/2 और y हम ले आए 1/3, हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन हमने क्या किया, उसको इसी फॉर्म में डायरेक्टली इसे एक्स वाई के फॉर्म में लिख लिया, लेकिन हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, लीनियर इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, ax plus by plus c equals to 0, ऐसा होता है। तो ax तो मिल गया था हमें यहाँ पे ax, ओके चलो ये रहा ax, by ये रहा by,
सी क्या था, सी में कोई वेरिएबल कंटेन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल गया था, दो दो वेरिएबल मिल गए थे, इसीलिए हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है कि रिड्यूसेबल मेथड से करो, तो फिर आप ऐसे करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो हम रिड्यूसेबल मेथड कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। ओके, नाउ वी सी इक्वेशन रिड्यूसेबल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स x एंड y, लीनियर इक्वेशन पहले अब इसे करेंगे। तो अब हम क्या करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू वन अपॉन वाई लिख सकते हैं, राइट, इक्वल्स टू 13 का 13। इन दिस मैनर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस, दिस इज माइनस, माइनस 4 इंटू वन अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस 2, हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो हमें दिख रहा है 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई दोनों में है, तो हम कंसिडर क्या कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, पी ए बी सी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ओके मैंने पी ले लिया है, एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्यू, पी क्यू ले लिया। तो अब इसके अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। तो ये इक्वेशन लिखने से हमें क्या मिलेगा, 2 1 अपॉन एक्स को हमने क्या लिया, पी प्लस 3 1 अपॉन वाई को क्या लिया, क्यू इक्वल्स टू 13। This is comes equation number 1, okay? अब अगर मैं इसी के through, इनके through equation 2 को लिखूं, तो क्या आएगा, 5p minus 4q equals to minus 2. This is equation number 2. अब मुझे क्या करना होता है, इन दो equation को solve करना पड़ेगा। अब ये दो equation को solve करने के लिए मैं कोई सा भी method use कर सकती हूँ, elimination, substitution या cross multiplication, okay? तो अगर मैं सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड यूज करूं, तो मुझे किसी एक कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा कोएफिशिएंट को। तो कोएफिशिएंट हम सेम करते हैं, कौन सा कर लें कोएफिशिएंट सेम, इससे पहले मैंने एक्स वाई करके बताया था, तो मैंने ये फर्स्ट वाले वेरिएबल को कंसिडर किया था, अब मैं क्यू को एलिमिनेट करती हूँ, ओके तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड 2 बाय 3, ओके तो क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट इज, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो 4 टू जा 8 पी प्लस 4 थ्री जा 12 क्यू इक्वल्स टू 4 इंटू 13, ओके व्हाट वी गेट इज 52, ओके नेक्स्ट व्हाट, अगर मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई किया है, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो कितना मिलेगा, 3 फाइव जा 15 पी माइनस ऑफ 12 क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ हमारे 3 टू जा 6, क्लियर है। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कैंसिल करना है उनका आपस में साइन चेंज है ऑलरेडी, है ना, तो प्लस करना है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 इज 23, 15 प्लस 8 इज 23 पी, ओके एंड 52 माइनस 6 कर लो, 52 माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 46, सो पी इक्वल्स टू हाउ मच, 46 अपॉन 23, that becomes 23 ones and 23 twos are. So what we get, p equals to 2. P की value 2 आ गई, तो equation 1 या equation 2 में से किसी में भी put कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए put कर लेते हैं. Now put equation number 2 में, okay? Put p equals to 2 in equation 2. What we have, 5p minus 4q equals to minus 2, right? So 5 into 2 minus 4q equals to minus 2. That becomes 10 minus 4q equals to minus 2. What it becomes then? Minus 4q equals to minus 2 minus 10. Okay, this becomes minus 12. This is, and q becomes minus 12 upon minus 4. Minus minus get cancelled, 4 1s and 4 3s are. What we get, q equals to 3. Hame mil gaya p ka bhi value, q ka bhi value. Lekin hamari equation jo thi, wo kiske form mein thi? हमारी इक्वेशन थी x एंड y के फॉर्म में थी, और हमने क्या लिया है, 1 अपॉन x को क्या कंसिडर किया है, p, एंड 1 अपॉन y को क्या कंसिडर किया है, q, तो p कितना आया हमारे पास 2 और q कितना आया हमारे पास 3, ओके तो इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2, ओके और यहाँ से y अपॉन 1 अपॉन y इक्वल्स टू 3 लिख सकती हूँ, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन 3 आ जाएगा, सो वी गेट द आंसर, सेम आंसर जो हमने पहले निकाला था, राइट लेकिन ये क्या है, रिड्यूसेबल मेथड है, हम इसे रिड्यूस कैसे कर देते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को
ऐसे कंसिडर करके. ओके तो x की वैल्यू 1 अपॉन 2, y की वैल्यू 1 अपॉन 3. पहले वाले क्वेश्चन के थ्रू भी आंसर ऐसे ही मिला था हमें, करेक्ट है. ओके तो नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल. Now if we take another example, what it says कि यहाँ पे भी, यहाँ पे तो कुछ और different दे दिया है ना, variables है नीचे में, लेकिन उसके बाद क्या x minus y, y minus 2 ऐसा type का कुछ दे रहा है ना. तो अब यहाँ पे consider हम क्या कर देंगे, reduce कर देंगे. हम consider करेंगे let 1 upon x minus y मिल सकता है हमें यहाँ से equals to a and 1 upon y minus 2 मिल सकता है हमें यहाँ से equals to b. ये कंसिडर कर लिया. तो अगर मैं इसे रीराइट कर लूं इक्वेशन को, तो ये कितना मिल जाएगा, 5 इंटू दिस, ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस, एंड ये तो है ही ऐसा 5 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 2, करेक्ट. और इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए माइनस 3 बी इक्वल्स टू 1. ओके तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1 और ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2. ये दो इक्वेशन मिल गए. अब इसके बाद हम क्या करें, हमें तो क्या करना होता है, एलिमिनेशन करना होता है. अगर मैं बी टर्म एलिमिनेट करने का देखूं तो यहाँ पे क्या है, माइनस 3, यहाँ पे भी हमें 3 चाहिए होगा, 3 है, सिर्फ कोएफिशिएंट देखते हैं ना हम 3, तो यहाँ पे भी 3 चाहिए. तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ओके 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15 ए प्लस 3 बी इक्वल्स टू 3 टू जा 6, करेक्ट. और सेकेंड इक्वेशन को कुछ कर ही नहीं रहे इसलिए उसे एज इट इज ही लिख देंगे. इतना हो गया. अब हमें ये कैंसिल करना है, ये 3b 3b कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 कितना हो गया 21a इक्वल्स टू 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो a हमें कितना मिल जाएगा 7 अपॉन 21, 7 1 जा 7 3 जा, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 अपॉन 3 मिल गई. ए की वैल्यू 1 अपॉन 3 मिल गई हमें. अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है. तो पुट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, हम 2 में पुट कर लेते हैं. तो क्या मिलेगा, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 3 माइनस 3 बी इक्वल्स टू 1. ओके 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या आया 2 माइनस 3 बी इक्वल्स टू 1. सो कितना लिख सकते हैं, माइनस 3 बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2, it becomes minus 1, it becomes minus 3b, and b equals to कितना आएगा, minus 1 upon minus 3, minus minus get cancelled, so what we get, b equals to 1 upon 3, we get that, okay, तो हमें ये मिल गया a और b की value. अब हमें क्या करना था, हमें a और b की value तो मिल गई थी, हमें लेकिन a हमने किसे consider किया था, हमने a consider किया था 1 upon x minus 1 को, clear, तो a की value कितनी है, 1 upon 3 equals to 1 upon x minus 1, लिख सकते हैं. तो हमें क्या मिल गया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, सो x कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट बिकम्स 4, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4 मिल गई. अब x की वैल्यू 4 मिल गई, यहाँ से a से हमने x की वैल्यू 4 निकाल लिया. ओके अब हमने b कैसे कंसिडर किया था, b कंसिडर किया था 1 अपॉन y माइनस 2 को, क्लियर. तो b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, b की वैल्यू आई है 1 अपॉन 3 अगेन, तो 1 अपॉन y माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, ये y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, so y equals to 3 plus 2 that becomes y equals to 5. तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4, and y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5. तो ऐसे हमारा ये इक्वेशन सॉल्व होता है. इसे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसी भी एक वेरिएबल को कंसिडर करके, और उसके बाद वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे. ओके गाइज दिस इज एग्जाम्पल नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक ओनली. ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज 3.6 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके भी सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो सारे क्वेश्चंस 4-5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे ही जाते हैं. ओके तो आपको ये समझने की बहुत अच्छे से ज्यादा जरूरत है. ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. पहले तो अब ये पता करना है हमें कि अपस्ट्रीम क्या होता है और क्या होता है डाउनस्ट्रीम क्या होता है. ओके तो अगर मैं अपस्ट्रीम बोल रही हूँ, अपस्ट्रीम ओके, और है क्या है हमारे पास, और एक क्या है डाउनस्ट्रीम. ओके स्ट्रीम मतलब हमें क्या पता है, स्ट्रीम मतलब है वाटर. ओके स्ट्रीम मतलब क्या है, वाटर है. ओके सो अब अगर मैं अपस्ट्रीम बोल रही हूँ दैट मीन्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं साइकिल वाला. ओके एक लड़का है जो साइकिल से जा रहा है. ओके इट वॉज लाइक दिस, ऐसे समझ लीजिए आप, इसमें मैं साइकिल ऐसी बना रही हूँ. एक लड़का जो साइकिल से जा रहा है,
इस डायरेक्शन में और हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, ओके okay? तो अगर इसकी स्पीड कुछ भी रही, हम खुद भी जब साइकिल चला के जा रहे होते हैं, जब हवा चल रही होती है तो हमारी साइकिल थोड़ी धीमी हो जाती है अगर हम स्पीड अपना मेंटेन रखें। सपोज इसकी स्पीड ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, एक घंटे में वो 10 किलोमीटर चलाने वाली स्पीड से जा रहा है, लेकिन हवा चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से उल्टे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लड़का जा रहा है, इस डायरेक्शन में हवा जा रही है, तो वो अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब क्या होगा, रुकावट तो आएगी ना हमारा, जब हम साइकिल चला रहे हैं बहुत स्पीड से और हवा हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम थोड़ा सा हमारा जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, अपोज हो जाता है, ठीक है, आपस में दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, अपोज हो जाता है, अपोज हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, अपस्ट्रीम, जब हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में और हवा का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में। इन द सेम वे स्ट्रीम को अगर मैं देखूं तो जो बोट है, बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो वाटर है, वाटर का बहाव किस तरफ है, इस तरफ है, वाटर का बहाव अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड में भी क्या आएगा, गिरावट आएगी, है ना, उनकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है बोट, अपनी स्पीड मेंटेन कर रही है, लेकिन वाटर की स्पीड भी क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है, तो वाटर अपनी स्पीड के हिसाब से इसको रोक रहा है बोट को, है ना, बोट को रोक रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्पीड में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी बोट की, 10 - 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी स्पीड इसकी, बोट की हो जाएगी, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अपस्ट्रीम मतलब जब हम अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं वो हो जाता है अपस्ट्रीम, ओके। अब अगर वही चीज है मैं डाउनस्ट्रीम के लिए देखूं, डाउनस्ट्रीम वो होता है कि अब हम साइकिल चला रहे हैं इन द सेम मैनर, ओके, मैंने साइकिल कैसे बनाया था, जो भी बनाया हुआ था, ये साइकिल, ये ऐसा हैंडल और यहाँ पे ये सीट, ओके, तो ये हम साइकिल से जा रहे हैं इस डायरेक्शन पे, ओके, अब हवा का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, हवे का भी, एयर का भी डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो हमें हवे से हेल्प मिलती है थोड़ी सी, कि हमें ज्यादा पैडल्स नहीं मारने पड़ते हैं, है ना, पैडल्स नहीं मारने पड़ते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइकिल का स्पीड अगर हमारा 10 किलोमीटर पर आवर था और हवे का भी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमें हवे की भी सहायता मिल गई, हवे से भी हेल्प लेके हम बिना पेडल मारे आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। इन द सेम मैनर जो हमारा स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर था वो हवे का भी ऐड होके वो 5 किलोमीटर पर आवर ऐड हो गया, तो हमें कितना मिल गया, टोटल 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल गई, किस चीज के लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए, ओके। तो डाउनस्ट्रीम में हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया है, और अपस्ट्रीम में हमने क्या किया था, माइनस किया था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्पीड है, स्पीड अपस्ट्रीम में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और डाउनस्ट्रीम में हो जाता है प्लस, क्लियर है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके ये वाटर रिलेटेड, बोट एंड वाटर वाला जो है, बोट एंड स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो पाएगा, ओके। तो हमें क्या याद रखना है, जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम में माइनस होती है और डाउनस्ट्रीम में प्लस होती है। हमने ये साइकिल वाला एग्जांपल लिया है, वैसे ही डाउनस्ट्रीम में मैं अगर वाटर वाला एग्जांपल देखूं तो वाटर वाले एग्जांपल को मैं इस तरह से देखती हूं, स्ट्रीम मतलब वाटर की लहर इस तरफ है, हम अगर वाटर पे खड़े हो जाएं और लहर इस तरफ से आए तो वो हमें आगे पुश करता ही है ना। तो इन द सेम मैनर अगर वाटर की डायरेक्शन इस तरफ है, ओके, और हमारे बोट का भी डायरेक्शन क्या है, इसी तरफ है, बोट का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो बोट तो अपनी स्पीड से तो बढ़ ही रहा है आगे, है ना, लेकिन लहर की वजह से भी आगे क्या बढ़ेगा, बोट आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। इसीलिए डाउनस्ट्रीम में हम क्या कर देते हैं, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड जो भी रहेगी, हमने जो भी कंसिडर किया रहेगा, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ओके। यहां तक क्लियर होना चाहिए स्टीम का कंसेप्ट। अब हम क्योंकि इसी के बेसिस पे ये पूरा क्वेश्चन करेंगे, ओके। मेरे अकॉर्डिंगली ये आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट समझ में आ गया। मैंने क्या बताया, अपस्ट्रीम रहा अगर तो हम क्या करेंगे, स्पीड को माइनस करेंगे, और अगर डाउनस्ट्रीम रहा तो हम स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ओके। तो सिर्फ हमें ये दोनों चीजें ध्यान में रखने की अभी जरूरत है, ठीक है। तो चलिए हम क्या लिख लेते हैं, अब हम लिखते हैं, अ बोट गोज, ओके फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, पानी की लहर का स्पीड फाइंड आउट करना है, और क्या करना है, एंड द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, मतलब जो बह नहीं रहा है,
उसमें कोई लहर वहर नहीं उठी, वो बह नहीं रहा है, वो वाले पानी को हम क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर बोलते हैं. ओके तो ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम. क्या बोल रहे हैं, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स. टाइम दिया है हमको कितना, 10 आवर्स का. हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और अगर मैं टाइम लिखूं तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा. ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 10 आवर्स में वो क्या क्या करता है, अपस्ट्रीम भी जाता है और डाउन स्ट्रीम भी जाता है ना, 30 किलोमीटर. तो इधर से ये अपस्ट्रीम गया अगर, तो ये 30 किलोमीटर गया, और जब डाउन स्ट्रीम आया तो कितना किलोमीटर आ रहा है, 44 किलोमीटर आ रहा है ना. तो चलो इसी को हम अब लिख के देखते हैं कि कैसे लिखेंगे हम. हमें टाइम दोनों जगह का दिया है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का. तो हम पहले तो कंसीडर कर लेते हैं क्या क्या कंसीडर करने की जरूरत है हमें. लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर बी एक्स. ओके, एक्स किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो. स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर क्या ले लें हम, वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, y किलोमीटर पर आवर ले लिया स्पीड ऑफ वाटर. अब क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब हमने क्या देखा है, अपस्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड अगर इधर है तो वाटर की स्पीड पीछे होगी. तो बोट की स्पीड हमने क्या ली है, x, और वाटर की स्पीड क्या ली है हमने, y. और ऑपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं दोनों की स्पीड को, है ना. तो हम क्या करें, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्पीड इन अपस्ट्रीम. ओके, स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड हम कितना ले लेंगे, माइनस हो जाएगा दोनों स्पीड, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड. क्लियर. एंड स्पीड इन डाउनस्ट्रीम हम कितना ले लेंगे, डाउनस्ट्रीम ले लेंगे, दोनों का क्या हो जाता है, स्पीड ऐड हो जाता है. मैंने बताया प्लस करना है हमें, तो स्पीड ऑफ वाटर अगर ये डाउनस्ट्रीम है, वाटर का डायरेक्शन इधर है और बोट का भी डायरेक्शन इधर है, तो एक्स भी इधर है, वाई भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे. ओके, तो स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तो हमको पता चल गया. अब क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस दिया है अपस्ट्रीम के लिए. टाइम तो हमें पता है 10 आवर्स है दोनों का मिला के. ओके, तो हम ले लेते हैं T1 ले लेते हैं, या TU लिख लो अपस्ट्रीम के लिए. क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम के लिए, 30 किलोमीटर, और अपॉन में स्पीड कितना है इसका, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या लिया हमने, एक्स माइनस वाई लिया. क्लियर. अब TD ले लेते हैं डाउनस्ट्रीम के लिए. ओके, कितना जा रहा है वो, 44 किलोमीटर जा रहा है डिस्टेंस, और स्पीड कितनी डाउनस्ट्रीम के लिए, x प्लस y है. और ये दोनों टाइम मिला के, TU प्लस TD मिला के कितना आवर्स कवर कर रहा है वो, 10 आवर्स. तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, TU प्लस TD, दिस इज U फॉर अपस्ट्रीम एंड D फॉर डाउनस्ट्रीम. ओके, दिस बिकम टोटल टाइम. ओके, तो TU कितना है, 30 बाय x माइनस y प्लस 44 बाय x प्लस y equals to 10. This is our first equation. Clear है? यहाँ से हमारा first equation मिल गया. Now what next says? अगला क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे? In 13 hours, अब time कितना दे रहा है हमें total? 13 hours दे रहा है. It can go 40 kilometers upstream. Upstream के लिए speed यही है, downstream के लिए speed यही है. कितने kilometers बोल रहा है? फिर से यहाँ पे ले लो TU plus TD equals to T होना चाहिए. ठीक है, तो अपस्ट्रीम बोल रहा है, अपस्ट्रीम कितना किलोमीटर्स बोल रहा है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम. ओके, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या थी हमारी, x माइनस y, प्लस डाउनस्ट्रीम कितना बोल रहा है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी हमारे पास, x प्लस y, और टोटल टाइम कितना बोला हमें, 13 आवर्स बोला है. तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए. अब दो इक्वेशन जब हमें मिल जाते हैं ऐसे, तो अभी हमने रिड्यूसेबल फॉर्म पढ़ा है, राइट. तो रिड्यूसेबल फॉर्म में इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं. बाय रिड्यूसिंग द इक्वेशंस, लिख लें ऐसे, बाय रिड्यूसिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, रिड्यूस कर लेते हैं. कैसे रिड्यूस करें, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम ले लेते हैं पी या ए, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, ए ले लेते हैं. ओके, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम ले लेते हैं बी. ओके, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा, 30 a प्लस 44 b इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा. क्लियर. एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिलेगा, 40 a प्लस 55 b इक्वल्स टू 13 मिलेगा. क्लियर है.
कोई डाउट नहीं है. अब हमें इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या किसी भी चीज से सॉल्व करना है, हम इसे किससे करेंगे? एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे. तो हम क्या करें, ए को एलिमिनेट अगर करें तो इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दू 4 से, और इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दू 3 से. क्या मिल जाएगा हमें फिर इक्वेशन, 4 3 12 120 ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 120 ए प्लस 44 × 4 कितना हो जाएगा, 44 × 4 हो जाएगा 176, बी इक्वल्स टू 10 × 4 इज 40. क्लियर. अगेन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर रही हूँ तो 40 × 3 कितना हो गया 120 ए प्लस 55 × 3 कितना हो जाएगा, 55 × 3 इज 165, बी इक्वल्स टू 13 × 3 इज 39. ओके तो ये कितना हो जाएगा 39. क्लियर है इतना. अब हम इसे एलिमिनेट करते हैं. एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करें, माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस था. माइनस करें तो सबका साइन चेंज हो जाएगा. सबका साइन चेंज हो गया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. कौन सा 120 ए आपस में कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, ये 176 − 165 दैट इज बिकम 11 बी इक्वल्स टू, और ये कितना बन जाएगा 40 − 39 इज 1. तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/11 आ गई. ये आया बी का वैल्यू. तो अब हम क्या करें, अब इक्वेशंस में पुट कर देते हैं. हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन आई थी 1 और 2 के थ्रू है ना, बी की वैल्यू पुट कर दे. बी की वैल्यू किस में पुट कर दूं अब मैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. पुट बी इक्वल्स टू 1/11 इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रही हूँ मैं. ओके तो 40 ए प्लस 55, बी की वैल्यू कितनी 1/11 इक्वल्स टू 13. क्लियर. तो 11 1s and 11 5s, तो ये कितना हो गया 40 a + 5 = 13. क्लियर है इतना, +5 = 13 हो गया. अब अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो 40 a = 13 − 5 कर सकती हूँ मैं यहाँ पे. क्यों 13 − 5 कर सकती हूँ, लिखूं क्या, नहीं 13 − 5 चलो लिख लेते हैं. 13 − 5 = 8, 40 a = 8, सो a = 8/40, 8 1s and 8 5s. So a equals to how much? A equals to 1/5. अब हमें a और b की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमने a और b कंसिडर किसे किया था, इसे कंसिडर किया था हमने a और b है ना. तो a और b जब हम इसे कंसिडर किए थे तो फिर से लिख लेंगे. a equals to हमने क्या कंसिडर किया था, a equals to था 1/(x − y) एंड b equals to क्या कंसिडर किया था, 1/(x + y). क्लियर. तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/5 = x − y. So x minus y equals to what? 5. This is equation number 5. Okay. From here, what we have is 1/11 = 1/x + y. So x plus y is become 11. Clear? This is equation number 6. ये दो equation मिल गए. अब फिर से दो equation मिल गए तो हम इसे क्या करने? And elimination लगा ले और फिर क्या करने? Solve. Solve equation number 5 and 6. Okay. 5 एंड 6 सॉल्व करें. कोएफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट आपस में दोनों में इक्वल है. ओके तो ये डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 16. सो x बिकम 8. ओके x जब 8 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो x प्लस y इक्वल टू 11 में 8 प्लस y इक्वल टू 11. सो y इक्वल टू 11 − 8 कितना हो जाता है, 3. y equals to कितना मिल गया हमें, y equals to 3 मिल गया. तो आंसर क्या आ गया, x is 8 and y is 3. हमारा x क्या था हमारे पास, x is 8 and y is 3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टिल वाटर का स्पीड कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर, और वाटर की स्पीड कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है इतना. तो ऐसे आपको ये आंसर्स निकालने पड़ेंगे. लाइक इक्वेशन बनाना पहले एक टास्क है, फिर इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन से और इक्वेशन निकलेगा अगर ऐसे नीचे में दो वेरिएबल्स रहेंगे तो. क्लियर है. तो इतना इजी भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, बस समझने के ऊपर है. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझना बहुत ज्यादा जरूरी था यहाँ पे. और उसके बाद हमें क्या करना पड़ा था, इक्वेशन मिलने के बाद रिड्यूसेबल मेथड तो हमें पता ही था कि रिड्यूसिंग कैसे करते हैं. गाइज इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 3.6 में. 3.6 का सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप से है पूरा, तो आप उसको करिए और बहुत अच्छे से करिए. मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूंगी कि लाइक कहाँ से आपको मिलेगा वो क्वेश्चंस. ओके तो आप वहां से जाइए, देखिए, पढ़िए अच्छे से और
अच्छे से एग्जाम दीजिए, ये एग्जाम्पल्स भी करिए, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, देन सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ Chapter-4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.